नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। सैफई के ब्लॉक कार्यालय में करीब 9 बजे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मतदान किया। प्रतापगढ़ के सदर ब्लॉक में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह ने भी शनिवार को वोट डाला। वाराणसी समेत पूरा उत्तर प्रदेश अगले 3 दिन तक भयानक लू की चपेट में रहेगा। यहाँ की आबोहवा इस समय ब्लोअर का काम कर रही है, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गर्म हवा ही निकल रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी कर यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी कार्यालय का ट्विटर अकाउंट शुक्रवार देर रात हैक होने के बाद अब रिस्टोर कर लिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट शुक्रवार देर रात हैकर्स ने हैक कर लिया था। गोरखपुर महाराजगंज एमएलसी चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम स्थित बूथ पर वोट डाला। वहीं मत्स्य मंत्री संजय निषाद भी दोपहर 12 बजे वोट डालेंगे। डीएम विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा और पुलिस चुनाव सेल नोडल एसपी यातायात डॉक्टर एमपी सिंह ने भी तैयारियों को पूरा कर लिया है। विधायक आजम खां के खिलाफ डूंगरपुर प्रकरण के 2 मुकदमों में स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब 19 अप्रैल को सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें टुडे 24 न्यूज़।